उनकी अहमियत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिल खवातीम, के इंसान का अमल जो है खात्मा बिल खैर पर हो या अमल जो आखिरी अमल हो वो बताता है कि इंसान क्या था। हमने देखा, तमाम लोगों ने देखा, मुशाहदा किया कि नए कपड़े पहन करके गए जुमा के दिन बड़ी मस्जिद में, बड़ी भीड़ में, मस्जिद की इफ्तिताह, मस्जिद का इफ्तिताह हो रहा है, वहां पर तशरीफ ले गए और मस्जिद में तिलावत के बाद इतना से मुअत्तर होकर के अल्लाह के रहमत में चले गए। ये नहायत काबिले रश्क बात है और मोमिन के लिए यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि उनका खात्मा ईमान पर हो, अल्लाह के घर में हो, सजदे के हालत में हो, अल्लाह से रुजू करते हुए हो, तौबा और नौबत में हो। तमाम मामला को उन्होंने हल कर दिया। जुमेरात के दिन जो बनात के हिसाब थे उनको भी दारुल के सुपुर्द कर दिया और जुमा को अपने खाल के हकीकी सीधा मिले। अब इसी याद को ताज़ा करने के लिए हम सबसे पहले जनाब हाफिज अब्दुल कय्यूम साहब नदवी नाज़िम जामियतुल फुरकान इनरवा 10 सुलसरी नेपाल से दरख्वास्त करते हैं कि आप तशरीफ लाएं और अपने मुशाहदात और तजुर्बात से हम तमाम लोगों को आगाह फरमाएं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. محترم صدر الإجلاس وحاضرين الدرس. آج كي تعزبي الإجلاس حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام سے منعقد ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے دارالعلوم میں ہو چکا تھا، وہاں بھی شرکت ہوئی تھی اور